एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत सोच थी। गांव में एक जादुई दीप था जिसको कहा जाता था कि जो भी इसे देखता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन अर्जुन ने उस जादुई दीप की खोज में निकला। वह अपने मित्रों के साथ जादुई दीप की तलाश में निकला और उन्होंने वह दीप एक पुराने मंदिर में पाया। अर्जुन ने दीप को उठाया और उसको देखते ही वह मंदिर में कुछ हुल्लड़ मच गया और अर्जुन के सामने एक प्रज्ञा रूपी देवी प्रकट हुई। देवी ने अर्जुन को एक विशेष वरदान देने का निर्णय लिया। वह बोली, तूने मेरा दीप जलाया है, इसलिए तुझे 3 इच्छाएं मांगने का हक है। अर्जुन ने अपनी पहली इच्छा में कहा, मैं धन्यवान बनना चाहता हूँ। तब देवी ने उसे एक बड़े से खजाने का ताज दिया। अर्जुन ने देवी से कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरी देशभक्ति की भावना सदा बनी रहे। तब देवी ने उसे एक वीरता भरा हृदय दिया जिसमें देश के प्रति प्रेम की अद्भुतता थी। फिर अर्जुन ने तीसरी और आखिरी इच्छा को बताया, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश और संतुष्ट रहे। देवी ने मुस्कुराते हुए एक मिठास भरी मुस्कान के साथ उसे एक जादुई दीप दिया और कहा, यह दीप तुम्हें हमेशा संतुष्ट और खुशी राह दिखाएगा। अर्जुन ने दीप लेकर अपने गांव की ओर यात्रा की और जहां भी जाता वह खुशियों का बोझ बढ़ता गया। सभी लोग उसके साथ खुश हुए और उसकी कहानी सच्चे प्रेरणा स्रोतों के रूप में दिल छू लिया। इसी तरह अर्जुन ने जादुई दीप की मदद से अपनी और अपने गांव वालों की जिंदगी को रौनक में भरा और सबको सच्ची खुशी दी। और इस प्रकार जादुई दीप ने अर्जुन की जिंदगी को रौनक से भर दिया और सभी को सच्ची खुशी और संतुष्टि का एहसास किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।